हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशफाक और आप देख रहे हैं योर हिंदी वर्ल्ड। दोस्तों, शाओमी से अलग होने के बाद रेडमी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया और पहले स्मार्टफोन की लॉन्चिंग पर ही दुनिया से इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम अपने सभी वीडियोज़ में एक सवाल पूछते हैं और जो उसका सही जवाब देते हैं उन्हें मंथ की लास्ट डेट पर एक गिफ्ट गिव अवे किया जाता है। तो इस वीडियो का सवाल भी हमने वीडियो के लास्ट में पूछा है, आप उसका सही जवाब देकर एक गिफ्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं Redmi Note 7 के बारे में। तो दोस्तों, जब Redmi ने Xiaomi से अलग होने के बाद अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया तो दुनिया की जो बाकी स्मार्टफोन कंपनीज थी उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस और जो फीचर रखी गई है वो कमाल की रखी गई है। और दोस्तों, इसका जो मेन हाईलाइट फीचर है वो है इसका रियर कैमरा। रियर में इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि Redmi ने आपसे झूठ बोला है, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया गया है, लेकिन Redmi ने ऐसा क्यों कहा कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है? तो इस बारे में समझने के लिए आपको शुरू से समझना होगा। तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर के बारे में, इसका जो प्रोसेसर है उस बारे में आपको समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 660 का। तो जो स्नैपड्रैगन 660 का जो प्रोसेसर होता है वो ओनली 25 मेगापिक्सल तक के कैमरे को ही सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि आपको Redmi Note 7 में जो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर दिया गया हो और उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया गया हो? ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें आप 25 मेगापिक्सल से ऊपर का कैमरा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर Redmi ने आपसे ऐसा क्यों कहा है कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है? तो इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो Redmi Note 7 है इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का GM1 सेंसर वाला कैमरा दिया गया है, ना कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है सैमसंग GM1 सेंसर वाला कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। लेकिन दोस्तों, फिर आपसे Redmi ने ये क्यों कहा कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है? तो इसको समझने के लिए इसमें आपको जो इसके जो फीचर होंगे उसमें आपको जो 12 मेगापिक्सल का मोड अलग मिल जाएगा और 48 मेगापिक्सल का मोड अलग मिल जाएगा। इसमें आपको दो मोड मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जो 12 मेगापिक्सल है उससे पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो आप उस मोड पर रखकर उस पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप 48 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो आप 48 मेगापिक्सल के मोड पर रखकर 48 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वही वाली बात हो गई कि आपका कैमरा तो है 5 मेगापिक्सल का और आप चाहते हैं कि आप पिक्चर अच्छी क्लिक करें, तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, आप कोई सी भी एक अच्छी कैमरा ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब आप आपके कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं और जब आप उस ऐप से पिक्चर क्लिक करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो ऐप वाली जो पिक्चर होती है वो उस जो कैमरे की पिक्चर से काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये वही वाली बात हो गई, सैमसंग का कैमरा तो दे दिया सैमसंग GM सेंसर वाला 12 मेगापिक्सल का, और आपको एक ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दी जो कि 48 मेगापिक्सल की ऐप है। तो इस तरह से वहाँ पर आप अगर उस मोड में जाकर पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपको 48 मेगापिक्सल की पिक्चर मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जो Redmi Note 7 Pro आएगा उसमें आपको जो कैमरा दिया जाएगा वो सोनी IMX सेंसर का कैमरा दिया जाएगा, तो उसका कैमरा बेहतर होगा। तो दोस्तों, Redmi ने इसी लिहाज से ये कहा है कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सैमसंग का GM1 सेंसर वाला 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, ना कि 48 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अब वक्त है आज के सवाल का। तो आज का सवाल ये रहा, आप इसका जवाब हमें कमेंट में दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।